बहुजन समाज पार्टी में 200 वर्ष से कार्य कर रहा है एक ब्राह्मण समाज की ओर से पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में भाईचारा एकता की मीटिंग बैठक का पूरा संचालन लगभग 20 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। 2012 में बहन जी ने हमको मौका दिया कैंट विधानसभा से, जो कि बीजेपी की सीट थी, परंपरागत बीजेपी की सीट थी, वहाँ से हमको टिकट दिया गया। फिर 2014 में हमको प्रभारी बनाया गया पिंडरा प्रभारी, पिंडरा विधानसभा का। मैं वहाँ 4 साल रहा, जब हमको टिकट देने की बात आई 4 साल मैं प्रभारी रहा, उसके बाद मेरा टिकट काट दिया गया। फिर विगत मैं 2 सालों से भदोही लोकसभा की तैयारी कर रहा था, वहाँ हर समाज के हर वर्ग के लोगों के दुख सुख में, हर सबका दुख दर्द बांटने के लिए, अपने समाज के लिए मैं कार्य करता रहा। मगर ऐन वक्त में जब हमको मौका मिला, टिकट का मौका नहीं मिला, टिकट के लिए हाँ बोल के फिर टिकट काट दिया गया हमारे समाज का। इसलिए मैं आज बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न आज मैं अपने समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए मैं आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। किस संदर्भ में मैं बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र दे रहा हूँ, और 20 वर्षों से मैं तन मन धन से मैं सेवा करता रहा पार्टी का, हमेशा एक कार्यकर्ता की तरह मैं सेवा करता रहा। 2012 में हमको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, और मैं भाईचारा का प्रदेश का कोऑर्डिनेटर भी रहा। आज भदोही विधान लोकसभा से मैं विगत दो वर्षों से मैं तैयारी कर रहा था। तो आज एकाएक क्या हो गया बसपा? बस हमारे समाज को सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़। क्योंकि अभी आपने बसपा पे आरोप लगाया पैसे लेने का, कि बहुजन समाजवादी पार्टी पैसे पे ही चलती है। बहुजन समाज पार्टी धन बल की, जो जिसके पास धन बल है उसकी पार्टी है, उसको सम्मान देती है। तो आप 20 वर्ष रह के धन देकर? नहीं, 20 वर्ष रह के धन दे के नहीं रहे, मैं 20 वर्ष से मैं सेवा करता रहा पार्टी का, 20 वर्ष से सेवा करता रहा। मगर धन बल हमसे बढ़ के, धन बल दे के लोग टिकट लिए, चुनाव लड़ लिए, हम लोग के पास धन बल नहीं था, इसलिए नहीं। तो आप किस पार्टी में विलय होने का? अभी किसी पार्टी में नहीं विलय होने की संभावना। अच्छा, आपने बताया कि आपके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, हमारे पूरे पूर्वांचल के भाईचारा की हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी के हजारों लोग आज BSP छोड़ दिए। अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किए तो क्या कहीं से चुनाव भी लड़ने की तैयारी है क्या? जैसा पार्टी, जैसे पहले तो जो हमारे समाज को सम्मान देगा मैं उसके साथ हूँ, चुनाव की बात की बात। ठीक, वर्तमान सरकार के साथ तो जाने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो भी होगा, हमारे समाज के लोगों से मुखिया लोग हैं, हमारे समाज के और लोग हैं, हमारी एक टीम है, उससे वार्ता करके ही कोई नया निर्णय लिया जाएगा।